मैडम सर, प्लीज प्लीज आइए और मुहूर्त कीजिए, आइए। कभी नहीं, मैं तुम्हारे हेल्प करके बार बार फंस जाता हूँ। मैं तुम्हारा कोई मुहूर्त उहूर्त नहीं करूँगा। अब हम लोग संगीत के लिए आप लोगों को डांस सिखाएंगे। देखिए, आप लोगों को हमें फॉलो करना है, तभी तो आप सब डांस सीखेंगी। ओके, ठीक है, ऑन करो म्यूजिक। सिखा रहे हो या एरोबिक्स क्लासेस? चाह नचा के थका रहे हो। चलो भागो यहाँ से, भागो। ओए बैंड वाले, कोई अच्छी वाली धुन बजाओ ना। क्यों नहीं, ये क्या बजा रहा है? अरे ये क्या बजा रहा है? अरे तुम बैंड बजा रहे हो, परेड करवा रहे हो। मैं तो ऐसा ही बैंड सीखा हूँ, यही बजाऊंगा। मारो, मारो। कसीरा राम भागो यहाँ से, इधर तो हमारा ही बैंड बज गया। तो हमको पिटवा दिया, हमारे 20 साल का तजुर्बा में हम कभी ऐसा शादी नहीं देखा। जिंदगी बहुत बड़ी, चाहो तो यूं ही खत्म कर दो या फिर कुछ ऐसा कर गुजरो कि दुनिया तुम्हें याद करे। आज तक जितने भी महान लोग आए वो किसी न किसी से इंस्पायर जरूर हुए हैं। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य की तीरंदाजी से इंस्पायर हुआ था, आगे चलकर वो खुद एक सटीक तीरंदाज बना। हर किसी का कोई न कोई इंस्पिरेशन जरूर होना चाहिए। जब तक किसी काम को ना कर लो वो असंभव ही लगता है, कर लिया तो जग जीत लिया। मतलब मैं भी किसी से इंस्पायर होकर कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि दुनिया मुझे हमेशा के लिए याद रखे। अरे इंस्पायर होना ही है तो मुझसे इंस्पायर हो जाओ। ये लो ये सब पकड़ो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। जरा सोचो कि मैं अकेला घर का हर एक काम करता हूँ और तुम क्या करते हो? हाँ पतलू, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं तुमसे इंस्पायर हो रहा हूँ। पतलू तुम बाहर जाकर बैठो, मैं घर का सारा काम निपटा कर तुम्हें बुलाऊंगा, ठीक है? ओहो काट दिया, झाड़ू। पतलू अंदर आओ और देखो सब काम हो गया। अच्छा ठीक है पतलू, अब मैं चला बाहर किसी और से इंस्पायर होने। अरे मैंने मोटू को क्यों इंस्पायर किया? कुंफू मास्टर टाइगर चैन, मैं भी कुंफू एक्सपर्ट बनूंगा और असंभव को संभव करूंगा। टाइगर चैन, मैं तुमसे इंस्पायर हो चुका हूँ। क्या कर रहा है? मुझे मार क्यों रहा है?
सॉरी बॉक्सर भैया, वेरी सॉरी। क्या है ना कि वो मैं कुंफू मास्टर टाइगर चैंग से इंस्पायर हो गया था, तो आप दिखे नहीं। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मोटू। क्या है कि लाइफ में इंस्पिरेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन तुम गलत जगह पर प्रैक्टिस कर रहे हो। एक काम करो, तुम ऊपर जाकर प्रैक्टिस करो। ओए, सॉरी बॉक्सर भैया। बॉक्सर भैया, तुम हमेशा मेरे दोस्त को क्यों मारते रहते हो? वो तो अच्छा काम करने के लिए चला था, फिर भी तुमने मार दिया। सॉरी पतलू जी, वेरी सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक काम करना, आप मेरी तरफ से अपने दोस्त को ऊपर जाकर सॉरी बोल देना। मोटू, बॉक्सर ने तुम्हें सॉरी बोलने के लिए कहा है। ठीक है पतलू। अरे क्या ठीक है, यहाँ तुम्हारे सॉरी के चक्कर में बॉक्सर ने मेरी हड्डी पसली एक कर दी, और तुम हो कि हवा में कुंफू प्रैक्टिस करने में लगे हो। नीचे चलो। दोस्तों, आज से मैंने और पतलू ने एड एजेंसी का बिजनेस स्टार्ट किया है, और अब मैं चिंगम सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने शुभ हाथों से मुहूर्त करे। आइए चिंगम सर। चाहे कुछ भी हो जाए, नो मीन्स नो। चिंगम सर, आपको बस एक मुहूर्त शॉट ही तो देना है, प्लीज। चिंगम सर, मैं आपको सीन बताता हूँ। आप एक जांबाज पुलिस वाले हो, जो कि आप सही में हो। उस तरफ से गुंडा भागता हुआ जा रहा है, और आप एक रस्सी का फंदा बनाकर ऐसे फेंकते हो कि सीधा चोर के ऊपर जाकर गिरता है। फिर आप चोर को फंदे से खींचकर अपने पास लेके आते हो, और पूरी दिलेरी से बोलते हो, शहर की सुरक्षा सिर्फ पुलिस का ही काम नहीं, आपका भी काम है। पुलिस का सहयोग करें और अपने शहर को सुरक्षित रखें। और शॉट कट। अरे मां, इस मुहूर्त में मुझे कोई कतरा नहीं है। आई एम रेडी। एक्शन। अरे मां, मोटू पतलू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे पाई फिर यार, ये बिल्डिंग देख रहे हो? मैं सोच रहा हूँ मेरे पाई, मॉडर्न सिटी में एक फ्लैट ले लूं। मोटू पतलू, अगर तुम्हें भी फ्लैट पसंद आए ना, तो साथ में खरीद लेंगे। सुना है बड़े सस्ते दामों पर मिल रहा है यार, एजेंट बस आता ही होगा। डॉक्टर झटका, तुम हमें फुरफुरी नगर से यहाँ इतनी दूर सस्ते फ्लैट दिखाने लाए हो? एक बात याद रखना, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। डॉक्टर झटका, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मॉडर्न सिटी में इस बिल्डिंग में सबसे सस्ते फ्लैट मिलते हैं। आपका स्काई हेवन टावर एक तरफ को थोड़ा झुका हुआ सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी विपल बिल्डिंग गिर जाएगी। लीनिंग टावर और पीसा भी तो झुकी हुई है, कोई उस पर तो सवाल नहीं उठाता। हमारी बिल्डिंग बर्मन टेक्नोलॉजी से बनी हुई बिल्डिंग है, इससे हम लीनिंग टावर ऑफ मॉडर्न सिटी कहते हैं। अरे पतलू, अब सवाल जवाब का किस्सा खत्म करो, मुझे फ्लैट देखना है। सर, मुझे बहुत समझदार लगते हैं। सीधे काम की बात करते हैं, हमारे पास फ्लैट्स की कमी नहीं है। आप जिस फ्लोर पर बोलो, हम आपको फ्लैट दिखा देते हैं। अरे माँ, जिस माले पर चाहे वहाँ, इसका मतलब तुम्हारी बिल्डिंग में एक भी फ्लैट अभी तक बिका नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मेरा वो मतलब नहीं था। बिल्डर की जिद है कि अच्छे आदमियों को ही फ्लैट देगा, ताकि इस बिल्डिंग में अच्छे और समझदार आदमी एक साथ रह सके। आप लोग तो अच्छे भी हो और समझदार भी, है ना? आइए, मैं आपको 20th फ्लोर का फ्लैट दिखाता हूँ, वहाँ से नजारा देखते ही बनता है। चिंता मत करिए सर, ये तो बर्मन टेक्नोलॉजी का कमाल है, आपको लिफ्ट तक जल्दी पहुंचाने के लिए। पतलू, नई टेक्नोलॉजी लगती है, बस चलते रहो। ये हुई ना समझदारी की बात। रुक रुक कर क्यों
चल रहा है। सर थोड़ा तो झटका देगी, अभी अभी इसकी ऑयलिंग और ग्रीसिंग हुई है। जस्ट जोकिंग सर। ओ जॉन, ओए बहुत होगी ओए तुम्हारी बहानेबाजी। साल भर पहले मैंने तुमको इस जमीन पे एक 10 माले का टावर खड़े करने के पैसे दिए थे, ओए आज तक एक ईंट नहीं पड़ी वहाँ पे। मैं अभी तुम्हारे खिलाफ फ्रॉड और 420 केस करता हूँ, मैं जेल भिजवाता हूँ तुमको। सर सर मुझे एक रात और दीजिए, मैं पूरी की पूरी टावर खड़ी कर दूंगा सर, प्लीज सर। ओए एक रात में पूरा टावर? ओके ये चमत्कार भी देख लेते हैं। छुप के भागने की कोशिश मत करना जॉन, मैं तुम्हें कहीं भी ढूंढ लूंगा। थैंक यू। बात बात, एक लात में एक टॉवेल तो कोई तुपल पावल वाला ही बना सकता है। मेरे शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया कढ़ाई में पक रहा है। मंत्री जाओ पूरे शहर में ढिंढोरा पीट दो, जो एक रात में 10 माले की टावर बना देगा या किसी और से बनवा लेगा, हम उसके साथ ही शादी अपनी राजकुमारी से करेंगे। नमस्कार राजा साहेब। राजा साहेब, हम आपको 10 फ्लोर का टावर बनवा कर दे सकता है। तुम करोगे? तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है? राजा साहेब, जैसे राजा खुद युद्ध नहीं करता उसकी सेना करती है, वैसे ही हम ये बिल्डिंग खुद नहीं बनाएगा लेकिन मेरा आदमी बना के देगा। हमारा विश्वास करो, हम टावर बना के देगा। आप शादी की तैयारी करो। हम तो बर्बाद हो गया रे। अरे घसीटा राम, क्या हो गया? मेरे पिताजी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। उन्होंने एक बहुत बड़े बिल्डर से पैसा लेकर बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, पर अब वो बिल्डिंग बना नहीं पा रहे हैं। आज रात में 10 माले की टावर नहीं बनाया तो वो बिल्डर मेरे पिताजी को जेल भिजवाने की धमकी दे रहे हैं। मेरे पापा जेल चले जाएंगे। क्या करूं? क्या करूं? मैं बनाऊंगा घसीटा राम, मैं बनाऊंगा। तुम रो मत, मैं समोसे खाकर एक रात में 10 माले की टावर बना दूंगा। चाय वाले भैया समोसे बनाओ। मेरे भाई मेरे यार, कसम मेरे मरीजों की, हम भी तुम्हारे साथ हैं मोटू। अरे जब तुम सब तैयार हो तो मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। जॉन, ये लो मेरा नया करामाती आविष्कार। पहला स्प्रे जिसके ऊपर कर दोगे उसके डोंकी की तरह कान निकल आएंगे, और ये दूसरा स्प्रे करते ही उसके डोंकी के जैसे पूछ भी निकल आएगी। वाह 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 वायरस, आपका आविष्कार देख के मेरे शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया आ रहा है। तुम्हें जो करना है करो, मुझे इसके 10 करोड़ रुपए अभी के अभी चाहिए। पर स्प्रे करके चेक तो कर लो, किस पर करो किस पर करो। नहीं, टाइम फॉर सम फन एंड एक्शन। Ha 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 ha!
आ गया देखिए। ये कैसा खेल है पतलू? अरे ये लोग इतनी लंबी लकड़ी से इतनी सी बॉल को क्यों मार रहे हैं? जैसे हम लोग उंगली से कंचे खेलते हैं। अरे भैया तुम भी उंगलियों से खेलो ना। अच्छा हाथ से खेलोगे? लो खेलो। अरे कंचे समझ कर ही खेल कर दिखाओ। हाँ खेलो खेलो। जा 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 गया। अरे देखा ना, गई ना बॉल सीधा होल में। अरे डंडे से तो हम लोग गिल्ली डंडा खेलते हैं भाई। मॉडर्न सिटी है तो बहुत ही अच्छा, लेकिन अपना घर ही होता है। पतलू तुम सही कहते हो। अब देखो ना, यहाँ सब कुछ है, पर चाय वाले के हाथ के बने समोसे थोड़े ही मिल सकते हैं। मैं छुटिया पापड़ वाले नू, मोटू चाय वाले का नाम लिया और वो देखो वो जा रहा है यारी। खुशबू जय हो। अरे चाय वाले भैया जय हो जय हो जय हो। आपका नाम लिया और आप आ गए। लोग सोच रहे हो के कि मैंने इस बार क्या मंगवाया है? बताऊंगा बताऊंगा, लेकिन थोड़ा इंतजार करो और देखो कि मेरे शैतानी दिमाग में इस बार क्या तूफानी आइडिया आया है। ये सच नहीं सपना है। मैं तुम्हारे घर पर नहीं हूँ, तुम एक छोटे से बेबी हो और मैं तुम्हें सोने से पहले डायपर पहना रहा हूँ। जो जाओ बेबी। अरे जॉन तुम सपने में भी आने लगे तो फिर एक पंच सपने में ही खा लो। बोलो बोलो। आविष्कार दुनिया भर में तहलका मचा देगा यारी। अब किसी भी किसान की फसल बारिश ना होने की वजह से खराब नहीं होगी यारी। मेरे ये क्लाउड्स को ले जाओ और जितना पानी चाहिए उतना बरसा लो यारी। जिसे ज्यादा पानी चाहिए ज्यादा क्लाउड्स ले जाओ, जिसे कम चाहिए वो कम ले जाओ यारी। ये तो ठीक है साहब, लेकिन पानी बरसेगा कैसे? मेरे भाई मेरे यारो, इस डोर को सिर्फ दो बार झटक दो और पानी बरसने लगेगा। मोटू पतलू मेरे दोस्त बहुत सस्ते दामों में आपको ये क्लाउड्स बेचेंगे यारी। बात है चिंगम सर, आप एकदम राइट टाइम पे आए हो। दोस्तों अब चिंगम सर हमारी क्लाउड एजेंसी का मुहूर्त करेंगे। नहीं 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 नहीं, मुहूर्त नहीं करूंगा। तुम लोगों के मुहूर्त के चक्कर में मेरी सूरत बिगड़ जाती है। ओह सर आखिरी बार, आखिरी बार सर जी प्लीज। यहाँ तो सर रिबन भी नहीं काटना है। ये क्लाउड ले जाके दो चार बार झटके दो और पानी बरसना है। बस बस ओके ओके ये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस झटके देकर पानी बरसाना है। ओके 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 चिंगम सर गेट सेट, दो चार झटके दो।
झटका। नहीं मेरे भाई, मेरे यार चिंगम सर, दो चार झटके नहीं, सिर्फ दो। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।